बिहार में चुनावी हिंसा में 3 की मौत। समर्थक बनकर घूम रहे लोगों ने प्रत्याशी को गोली मारी। एक आरोपी को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। शिवहर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे श्री नारायण सिंह ने की शनिवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली लगने से एक समर्थक की भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक आरोपी भीड़ के हत्थे चढ़ गया और उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। श्री नारायण सिंह जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। आरोपी ने श्री नारायण को तब गोली मारी जब वे चुनाव प्रचार कर रहे थे। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि श्री नारायण पुरानिया इलाके के हथसार में प्रचार के लिए निकले थे। इसी दौरान समर्थक बनकर काफिले में चल रहे बाइक पर सवार 2 लोगों ने उन पर गोलियां दागी। सीतामढ़ी अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। श्री नारायण का आपराधिक इतिहास रहा है। श्री नारायण सिंह पर 6 केस हैं। अवैध हथियार रखने के मामले में उन्हें 2 साल की सजा भी हो चुकी है। वो शिवहर के नया गांव के निवासी थे। वो नया गांव पंचायत के मुखिया और डुमरी कटसरी से जिला परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। टिकट न मिलने पर राजद छोड़ी थी। श्री नारायण राजद के जिला उपाध्यक्ष थे। माना जा रहा था कि इस बार शिवहर से उन्हें राजद का टिकट उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन उनका टिकट नहीं मिला। इससे नाराज होकर श्री नारायण सिंह ने राजद छोड़ दी और जनता दल राष्ट्रवादी की टिकट पर चुनाव में उतरे थे। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।